किशन जी हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी नमस्कार कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं पूना पिंपरी से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। पूना पिंपरी से बात कर रहा हूँ, पूना में रहता हूँ। बताइए। तो हमारा हमने अपना गांव सिया मंगाया था, और अपना ये जैतून का सिलका भी और कलौंजी नमक, ये तीनों ले रहे हैं। तो इसमें फायदा तो हो रहा है इतना, अभी स्टार्ट किया हुआ समझो 15 दिन हो गया हमारा। जी जी। तो इसमें समझो हमने को ये चले चाहिए, तो समझो जो समझो अपना खुजली वगैरह भी होता है समझो, इसमें कौन सिया में या इसमें जैतून में क्या फायदा वो बता दीजिए, कलौंजी नमक का। ठीक है। अच्छा, ये कलौंजी नमक एक कलौंजी का एस्टेक जो होता है उसको कहते हैं, एस्टेक जबान में, यूनानी जबान में या इंग्लिश जबान में कहते हैं, वैसे आसान जबान में इसे कलौंजी का नमक कह देते हैं। हर चीज़ में जो भी हम खाते पीते हैं, चाहे सेब हो, संतरा हो, मौसमी हो, कुछ भी हो, दालें हो, हर चीज़ में कुछ हिस्सा नमक याद का होता है। तो उसको जब हम निकाल लेते हैं तो उसे या तो नमक कहते हैं, नमकियात कहते हैं, या एस्टेक कहते हैं, और आसान जबान में किसी को समझाने के लिए नमक भी कह सकते हैं। ये अपनी उस चीज़ से 50 गुना 100 गुना तेज़ काम करता है जिस चीज़ का आप नमक इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी दवा आप देखेंगे तो उसमें लिखा होता है सॉल्ट कौन सा है, तो ये सॉल्ट है। तो ये अंदर से सैनिटाइज करता है। जैसे आज का मौसम है, वबा चल रही, एक बीमारी चल रही है, और हम अपने हाथ पैर सैनिटाइज करते हैं, नहा लेते हैं, साबुन से हाथ धो लेते हैं, कीटाणु मर जाते हैं। लेकिन अंदर अगर कीटाणु ना पनपें, उसके लिए एक एक चुटकी या दो दो चुटकी सुबह शाम खाते हैं, जिससे हम 24 घंटे के लिए अंदर से सैनिटाइज होते हैं। और कलौंजी का नमक आप ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको फ़ायदा शुरू हो गया। गौंद सिया भी आप ले रहे हैं, गौंद सिया भी एक रॉ मटेरियल है, ये भी एक रॉ मटेरियल है, और जो आप सिरका जैतून का लेते हैं वो भी रॉ मटेरियल है। सिरका आपके लिए डायबिटीज़ के लिए, पेट के लिए, लीवर के लिए बहुत अच्छा है, और गौंद सिया जोड़ों के दर्द के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। चलिए नेक्स्ट कॉलर हैं सुशी जी, चंडीगढ़ से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार जी। जी आदाब। हाँ जी सर, मुझे आपसे ये पूछना, जैसे मेरी उम्र है 65 साल के करीब है, और मेरा जो पित्ता है वो निकाला हुआ है, तो जब जैसे सुबह उठते ही मुझे मतलब ऐसे है कि भूख नहीं लगती और खट्टे डकार आने लग जाते हैं, कुछ खाने के बाद भी पेट में जो है भारीपन रहता है, और मतलब कुछ भी खाने का जो है वो दिल नहीं करता। ठीक है। और शरीर भी मतलब गिरा गिरा रहता है। वैसे मुझे थायराइड की भी प्रॉब्लम है, और मतलब ऐसे मतलब लगता है कि जान नहीं है शरीर में, और खा मतलब पेट भारी ही रहता है हर टाइम, जैसे पेट में ऊपर वाली साइड पे कुछ चुभता है, इस तरह का दर्द रहता है। तो आप हेल्दी हैं? हाँ जी थायराइड भी है। ठीक है। अच्छा मैं आपको क्यों ना एक ऐसा नुस्खा बता दूं कि आपका थायराइड भी छोड़ दे, आपको आप नॉर्मल हो जाए। थायराइड कम होगा, ठीक होगा, तो वज़न भी अपने आप कम होगा, और ये आलसीपन, ये मोटापा, ये सब, और पेट की आपकी जो समस्या है वो सारी ठीक हो जाए। ये बहुत आसान नुस्खा है। देखिए, धनिया जो आपके किचन में है, धनिया दाना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि धनिया घर में पाउडर बनाएं, या सामने का होना चाहिए, भरोसे का होना चाहिए। धनिया 300 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, ये सबको याद रहेगा, लिख लीजिए। धनिया 300 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, और 100 ग्राम गौंद मोरिंगा। मोरिंगा का गौंद आप जानते हैं कि एक भिंडी की तरह एक फली आती है इतनी लंबी, उस फली से गौंद निकाला जाता है, और उसके पेड़ से वो मोरिंगा का गौंद या सहजन का गौंद होता है, और 100 ग्राम ये मिला लीजिए, इसको पाउडर बनाइए, एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम खाइए,
गर्म पानी के साथ। जो आप गोली खा रहे हैं थायराइड की, वो खाते रहिए। आइंदा महीने से आपका डॉक्टर कहेगा कि आपको थायराइड कंट्रोल हो रहा है, इसलिए मैं थायराइड की गोली की पोटेंसी कम कर रहा हूँ। हर महीने कम होती जाएगी, 5-6 महीने में छूट जाएगी और 7-8 महीने में ये भी छूट जाएगा, आप बिल्कुल नॉर्मल रह सकती हैं। तो बिल्कुल दर्शकों, एक एक नुस्खा आप लोग पेपर पेन लेके नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपके स्वास्थ्य के लिए रामबाण साबित होंगे ये नुस्खे। इसी प्रकार से दर्शकों, आप लोग भी जान सकते हैं अपनी स्वास्थ्य संबंधी कोई भी अगर आप लोगों को समस्या चल रही है, देसी नुस्खे, और वो भी आपके किचन से शुरू होते हैं। आपको यूनानी पद्धति से जोड़ा जाता है, आयुर्वेद से जोड़ा जाता है। फोन उठाइए, इन नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आप लोगों के सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। हमारे साथ बाला जी हैं फरीदाबाद से, स्वागत है आपका। स्वागत है। जी आदाब बाला जी, बताइए। सुलेमान जी, डॉक्टर मैं आपको प्रोग्राम को 4 साल से देख रही हूँ, 5 साल से। तो पहले आप यूनानी दवा बताते थे, लेकिन अब मेरे को पैरालाइज हो गया है बहुत ज्यादा। क्या हो गया? पैरालाइज हो गया मेरे को। ठीक है। और मेरे को सबसे बड़ी बात है, आंखों पे इफेक्ट हुआ बहुत ज्यादा, आंख से दिखता नहीं है मेरे को। कितने दिन हो गए और क्या इलाज किया? तो ये मेरे को हो गए करीब, ये टैबलेट जब आएगी तो मेरे को 3 साल हो जाएंगे। ठीक है। और कोई सवाल तो नहीं है आपका? नहीं, मेरा राइट पैर नहीं चलता इतना, और आंखें बंद है, बंद रहती है। एक खुली है जो कि ऑपरेशन हो गया है, लेकिन दिखाई नहीं देता उससे। ठीक है। तो देखिए, फालिज, लकवा या हवा का असर गांवों में कह देते हैं, ये एक ऐसा मर्ज है जिसे जो हमारे खून में चर्बी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की वजह से दिमाग के किसी नर्व में एक चर्बी मिला हुआ खून का चकत्ता जम जाने से होता है। किसी के आँख पे असर होता है, किसी के हाथ पे, किसी के एक साइड पे पूरी, और वो फालिज हो जाता है। किसी के वॉइस बॉक्स, किसी की आँखों पर, कहीं पर भी ये फालिज हो सकता है। बड़ी उम्र वाले जो 45 साल से ज़्यादा के लोग हैं, अपना बहुत ख्याल रखा करें। और फालिज ज़्यादा लोगों को एक दवा है, वो अपनी दवाएं लीजिए और फिजियोथेरेपी कीजिए, यानी जो हिस्सा आपका काम नहीं करता उसको खूब चलाइए। हाथ काम नहीं करता तो इस हाथ से इसको चलाइए, टांग काम नहीं करती टांग को भी चलाइए। ये आधा इलाज है, और आधा इलाज है जैतून का सिरका। जैतून का सिरका ले लीजिए, उसमें आप अदरक का जूस 0.5 लीटर मिलाइए, 1 लीटर जैतून के सिरके में, और ये 3-3 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद पानी में मिलाकर पिया करें, आपको बहुत फ़ायदा होना मुमकिन है। चलिए, तो नेक्स्ट कॉलर हैं तैयबा जी मुंबई से, हमारे साथ स्वागत है आपका। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। आपसे बात करके मुझे बहुत खुशी। आप 3 साल से मैं लगा रही थी, मैं तो आपको शुक्रिया, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मुझे भी खुशी हो रही है। अल्लाह ताला आपको मुबारक रखे। बताइए क्या सवाल है तैयबा जी, मुझे भी खुशी हो रही है आपसे बात करके। मेरा बाल बहुत झड़ गया है, बहुत झड़ता है, जब भी कंघी डालती हूँ बाल गिर बहुत छोटा छोटा हो गया। तो दवा बता दीजिए, बहुत परेशान हूँ बाल से। अरे बम्बई में रहकर बालों से मत डरा करिए, हालांकि बम्बई में सबसे ज़्यादा बाल गिरते हैं। मेरी भी एक उम्र यानी 20-22 साल महाराष्ट्र में गुजरे, और वहाँ का फिज़ा बड़ी अजीब है कि मेरे बाल भी गिरते थे और मेरा शबाब भी ख़त्म होता था। तो मैंने क्या किया था कि एक नारियल पानी रोज़ पीने लगा। मेरे बाल बुढ़ा हो गया हूँ अभी तक हैं, और जवानों से ज़्यादा हैं। आप भी एक नारियल पानी रोज़ पिया करिए, और अगर अच्छे हालात हैं तो 0.5 ग्राम मोरिंगा का गौंद नारियल पानी के साथ लिया करिए। आपके बाल इतने हो सकते हैं कि संभाले ना जाएं, और खुश रहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए नेक्स्ट कॉलर हैं शिखा जी दिल्ली से, हमारे साथ स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार सर। जी आदाब। मेरे ना एक तो सिर में माइग्रेन का बड़ा दर्द रहता है, और एक मेरे को ना सर्वाइकल बहुत ज़्यादा है।
उससे मुझे चक्कर आते हैं। अच्छा बेटा, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र तो 48 है सर। अच्छा, कौन सी गोली लेते हैं जब आपका दर्द ठीक होता है? मैं माइग्रेन की वेसोग्रीन गोली लेती हूँ। ठीक है। अच्छा देखिए, मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताता हूँ जिससे माइग्रेन और सर्वाइकल दोनों चले जाएंगे, लेकिन आपको 4-6 मिनट अपने आप पर तवज्जो देनी है। देखिए, एक तो आपको रोज़ाना ऐसे सीधे लेटना है, बेड पर सीधे लेट जाइए। देखिए, जैसे ये बेड है, इस पर ऐसे सीधे लेट जाइए और ये गर्दन है, कैमरे में दिखा सकते हैं तो दिखा दीजिए, ये गर्दन नीचे रहे, आप सीधे लेटे रहें और ये हिस्सा ऊपर रहे, गर्दन ऐसे ऐसे लेटा, ऐसे डाल लीजिए, ऐसे 5-5 मिनट करके 5 बार दिन में लेटा करिए। ये आपको आज से ही शुरू कर दें। और दो एक्सरसाइज और बताता हूँ। एक तो ये कान ऐसे इससे मिलाइए, देखिए मोंढे से कान मिलाइए, ये 2-2 मिनट रोज़ाना एक्सरसाइज कीजिए, कम से कम, इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितनी जल्दी ठीक होना है आप इतना एक्सरसाइज करें, घड़ी देख कर करें। और एक एक्सरसाइज ये ऐसे सीधे बैठे, ये ठोड़ी को पकड़ें और ऐसे मिला दें और यहाँ देखें, ऐसे 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 ऐसे, ये आपको 2-2 मिनट करनी है सुबह शाम। अगर आपने ये लगातार 10 दिन की तो आप अपना मर्ज भूल जाएंगे। और फिर भी आपको ऐसा लगे कम फायदा है तो गौंद स्याह, काला गौंद 0.5 ग्राम सुबह 0.5 ग्राम शाम खाया करें। और ये एक्सरसाइज को अपना रूटीन, अपना मामूल बना लीजिए, आपसे दोनों ये दोनों मर्ज रुखसत हो सकते हैं। चलिए, इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर हैं संजय जी, पटना से हमारे साथ स्वागत है संजय जी आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब जी। आदाब संजय जी। सर, हमको पेट में बहुत गैस रहता है, पेट दर्द करता रहता है मीठा मीठा, और थोड़ा सा सर में, और गैस के चलते सर भारी हो जाता है, थोड़ा सा फैटी लीवर भी है। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी और कब से तकलीफ है? 48 बरस, ये करीब करीब 2-4 साल से तकलीफ है, लेकिन बड़े बड़े डॉक्टर से सीटी स्कैन भी कराए, एंडोस्कोपी भी कराए, कहीं कुछ नहीं निकलता है, कभी कब्ज रहता है, कभी गैस बहुत बनता है, गैस पास नहीं होता, बहुत दवाई खाए। देखिए, क्यों ना मैं एक आपको ऐसी दवा बता दूं कि जिसकी पहली खुराक से आपको आराम आने लगे। और ये जो एलोवेरा है, इसका सिरका आता है, एलोवेरा का सिरका, ये 2 चम्मच या 3 चम्मच आप 1 गिलास पानी में डालिए और पी लिया करिए, दिन में 1 बार या 2 बार। जब से पिएंगे आप, उसी वक्त से आपका सिस्टम ठीक होना शुरू हो जाएगा, गैस पास होगी, हजम ठीक होगा, लीवर ठीक होगा, पेट ठीक होगा, कब्ज़ ठीक होगा और आपको बहुत जल्दी आराम आ जाएगा। ये आप अमल शुरू करिए, देखिए, और दिन में 5 बार गर्म पानी पिया करें, गर्म पानी इतना कि आप पी सकें, चाय से थोड़ा कम गर्म और गुनगुने से थोड़ा ज़्यादा, 5 बार पिया करें। जिस दिन से आप ये अमल शुरू करेंगे उस दिन से आप अपनी तकलीफ भूल सकते हैं। तो चलिए, आपको ऐसे ही ये उपचार अपनाने हैं, ये देसी नुस्खे आपको करने हैं, जैसे अभी आपको हकीम साहब ने यहाँ पे बताया है। दर्शकों, अगर हम बात करें अतिया हर्ब्स के बारे में, तो ये एक ब्रांडेड कंपनी है और 500 से भी ज़्यादा इसकी फ्रेंचाइजी देश भर में है। दर्शकों, तो अगर आप लोग लाभ उठाना चाहते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो फ़ोन उठाइए, नंबर्स पर कॉल कीजिए जो आप लोगों के सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाए जा रहे हैं।